नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और आज एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी से आपका हम तारुफ कराने जा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया आज के दौर में एक बहुत ही ताकतवर माध्यम बन के उभरा है और न केवल आम लोग बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका खुलकर इस्तेमाल कर रही हैं और अब एक ऐसा हथियार सोशल मीडिया बन गया है जिसे अगर ये कमज़ोर हुआ तो कहने का पॉलिटिकल पार्टीज के जो नंबर हैं या कहा जाए कि उसको लेकर जो परसेप्शन है वो कहने का ही कमज़ोर होता है। कांग्रेस पार्टी अब इस और तेज़ी से आगे बढ़ती नज़र आ रही है और यूथ कांग्रेस ने अपना अलग खुद का आईटी सेल न केवल विकसित किया है सोशल मीडिया का बल्कि उस पर तेज़ी से काम भी कर रहे हैं और चुनावों में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाते जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम आपका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ वैभव वालिया जी मौजूद हैं। वैभव जी, आपका इंडिया फर्स्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपसे बात करने का मौका मुझे भी मिल रहा है। प्लीज़ वैभव, ये सोशल मीडिया आज के दौर में कितना ज़रूरी हो गया है क्योंकि आपके जो अपोनेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में माना जाता है कि वो सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस पर कम ध्यान दिया। देखिए, कहीं ना कहीं 2014 के चुनाव में आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार होने के बावजूद हम लोग जो है वो नहीं दे पाए इतना ध्यान चुनाव में, लेकिन 2019 के चुनाव में फिर हम लोगों ने वो महत्वता को समझा है और हमने कोशिश की है कि हम अब अपना पर्सपेक्टिव भी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकें। आप देखेंगे कि अगर व्यक्ति कोई भी सो के उठता है सबसे पहले वो अपना फ़ोन चेक करता है, अगर सोने से पहले अपना फ़ोन चेक करता है। इतना टाइम लोग अपने फियांसे के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बिताते हैं जितना फ़ोन के साथ बिताते हैं। एवरेज स्क्रीन टाइम गाँव में 10-10 घंटे का है। तो अब मजबूरी है, ज़रूरी है राजनीतिक दलों के लिए भी, क्योंकि देश को दशा और दिशा देने के लिए लोगों के दिमाग में जाना जरूरी है, लोगों को अपनी सोच बताना जरूरी है। तो अब ये राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि हम लोग लोगों को अपनी बात पहुंचाएं, मोबाइल में उनके घुसें, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ तो देखेंगे ही, नहीं तो फिर प्रोपागंडा वाले उनको झूठ परोसते रहेंगे और सच से वो लोग वंचित रह जाएंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों की राजनीतिक दल के महत्व एक तौर पर एक जिम्मेदारी बनती है। तो हम वो जिम्मेदारी को अपनी समझ रहे हैं और उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। करते कैसे? हम तो सुनते बहुत हैं कि देखिए कि सेल बन जाता है और वो फिर इस तरह से मोबाइल में घुस जाते हैं, ये तरीका क्या रहता है? ये देखिए, ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के अलग अलग। फेसबुक जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म है, आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है तो वो एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है तो वो एक प्लेटफॉर्म है। इस तरह से अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रखे हैं और उन प्लेटफॉर्म्स पे देश की जनता कहीं ना कहीं अलग अलग कोनों के लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म को ज़्यादा या कम यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा या कम किसी किसी प्लेटफॉर्म को करते हैं। तो राजनीतिक दल इस तरह से देखते हैं कि जैसे अगर मेरे को किसी को गांव में बात पहुंचानी है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बात पहुंचानी है, तो मैं ट्विटर पे कम फोकस करूंगा, फेसबुक पे ज़्यादा करूंगा, या शायद यूट्यूब पे ज़्यादा करूंगा, या सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे करूंगा। व्हाट्सएप आप देखेंगे कि हर आदमी यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करने का, प्राथमिकता दिखाने का प्रयास किया जाता है और फिर कंटेंट उस हिसाब से बनाया जाता है। ट्विटर में जो रेजोल्यूशन रहेगा, साइज़ रहेगा, वो बिल्कुल अलग रहेगा। फेसबुक में जो साइज़ रहेगा वो बहुत अलग रहेगा। समय के साथ इन चीज़ों में बहुत तब्दीली भी आई है। पहले लंबे लंबे वीडियो भी लोग बैठ के देख लिया करते थे क्योंकि उनको बड़ा अचंभित होता था कि यार मोबाइल में इस तरीके की चीज़ मैं ऐसे वीडियो देख पा रहा हूँ। फिर वीडियो देखने लगे और ये टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से तब्दीली भी आ रही है इसमें। तो आप देखेंगे पहले लंबे वीडियो देखते थे, अब लोग ज़्यादा टाइम नहीं दिखाते हैं किसी वीडियो पर। अगर आप एक मिनट में या 30 सेकंड में, 40 सेकंड में अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो आप छोड़ देंगे। फिर टिकटॉक जैसे अब प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, आप देखोगे घंटों घंटों लोग टिकटॉक देख रहे हैं लेकिन एक वीडियो 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो आपको आपकी बात इतनी मतलब स्ट्रैटेजिकली पहुंचानी पड़ती है कि आपके पास समय बहुत कम है और इतने सारे ओपोनेंट्स हैं क्योंकि इस इन पे जगहों पे भी इतने सारे लोग आ चुके हैं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी बात लोगों को पहुंचाने के लिए। अगर ज़रा सा भी उनका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, अगर उनको आपकी बात नहीं अच्छी लग रही है तो तुरंत वो दूसरी बात देखेंगे। तो इसलिए बहुत इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत जज्बे का काम है, बहुत जुनून का काम है। और आप जब आपके सामने राजनीतिक दल भाजपा जैसा हो जो कि एक इसको एक मनी मशीन उन्होंने बना दिया है और इसमें बिल्कुल पैसा अंधभक्ति की तरह झोंका जा रहा है, तो उन सब के सामने अगर आपको लड़ना है तो फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने कंटेंट की तीव्रता, शार्पनेस को बढ़ाएं। तो वो उस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरह से थिंक टैंक होता है, किस तरह से मुद्दों की तलाश की जाती है, फिर उसका प्रेजेंटेशन कैसे और फिर उसको किस तरह से वायरल किया जाता है? मतलब एक बड़ी टीम भी लगती होगी इसके लिए। तो टीम को हम लोग कोशिश करते हैं कि तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक रिसर्च की टीम होती है जो अध्ययन करती है, जो देखती है कि देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या भेजना चाहिए, आज के समय के क्या विषय हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक टीम होती है जो कंटेंट डेवलपमेंट टीम होती है, जो बनाती है। भैया, जो आप कोई फोटो देखते हो, कोई क्रिएटिव देखते हो तो वो बनाया जाता है।
कोई वीडियो देखते हो आप, तो वो बनाया जाता है। कहीं एक टीम होती है जो यूजर जनरेटेड कंटेंट आजकल बड़ा पसंद किया जा रहा है। कई लोग क्या हो रहा है कि सड़क पे कोई जा रहा है, उसको कोई गड्ढा दिखाई दिया तो उसने उस गड्ढे का वीडियो बना लिया, वो वीडियो आपने उसने लाइव अपने फ़ोन से डाल दिया या अपनी बात कहते हुए तुरंत डाल दिया, तो उसको यूज़र जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं। जो राजनीतिक दल नहीं बनाते हैं लेकिन आम लोग बनाते हैं, वो कंटेंट भी बड़ा पसंद आता है कई बार, क्योंकि उसमें बड़ा लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालते हैं, तो बड़ा रचनात्मक तरीके से कई लोग उसको करते हैं, तो वो भी बहुत चलता है। तो एक टीम होती है जो ऐसा कंटेंट खोजती है, क्योंकि आप देखेंगे अगर एक लड़की ने उत्तर प्रदेश में उन्नाव मामले पे अपने टीचर से या जब पुलिस वाले उसके स्कूल में भाषण देने आए थे उनसे सवाल किया, तो उस लड़की का वीडियो तुरंत वायरल हो गया, वो राजनीतिक दलों ने नहीं बनाया लेकिन वो हमको मिला इंटरनेट से। तो एक टीम होती है जैसा खोजती है, और एक टीम होती है जो डिस्पर्समेंट टीम होती है, जो फैलाने का काम करती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग लोग होते हैं जो उसको फैलाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसको कोशिश की जाती है, लोगों को टैग किया जाता है, पेजेस पर डाला जाता है, व्हाट्सएप में ग्रुप्स बना के उसमें स्प्रेड किया जाता है। कोशिश होती है कि अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, इस तरह से काम होता है। तो इसमें कितनी बड़ी टीम जो लगती है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया आजकल हर मोबाइल के ज़रिए हर एक व्यक्ति के जेब में मौजूद है, और पूरे देश भर में आपको एक काम करना है, यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में, कांग्रेस पार्टी का भी आप काफ़ी बड़ा काम करते हैं, तो कितनी बड़ी टीम इसके लिए आप लगाते हैं? देखिए ऐसा है कि चुनाव के दौरान काफ़ी बड़ी एक टीम थी, लेकिन चुनाव के बाद में फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से और वो होके पेड लोग आप ज़्यादा इसमें नहीं एंगेज कर सकते हो अभी, कांग्रेस के तौर से मैं कह सकता हूँ, युवा कांग्रेस के तौर से। लेकिन वॉलंटियर्स आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, कांग्रेस पार्टी जुनूनी लोगों की पार्टी है, जज्बे वाले लोगों की पार्टी है, और वॉलंटियर्स आपको बहुत से ऐसे मिल जाते हैं। मैं खुद एक वॉलंटियर हूँ, मैंने 2 सरकारी नौकरियाँ छोड़ी, तो मैं खुद पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इस देश में इस देश को बचाने के लिए आज भी सब कुछ अपना तन मन धन लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग बहुत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हजारों हमारे वॉलंटियर हैं जिनके बेस पे हम काम कर रहे हैं। और चुनाव के दौरान में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के पेज को हमने बीट किया है, उनकी एंगेजमेंट रेट्स को हमने बीट किया है, नरेंद्र मोदी के एंगेजमेंट रेट को कई बार हम लोगों ने बीट किया है, तो वो सब हमने अपने वॉलंटियर्स के दम पर किया है, जो लोग बहुत इंटरेस्टिंग हमारे साथ में जुड़ के काम करते हैं। ये क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मीडिया है जिसका अभी तक लोग अभी एक मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप लोगों ने अब उसका जो एक कहा जा सकता है कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। आम लोग जो है अभी तक जब तक समझ पा रहे हैं, काफ़ी आगे की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी बातें, लेकिन आपको उन लोगों को भी समझानी आपकी पार्टी को, उन वरिष्ठों को जिन्होंने जो कन्वेंशनल मीडिया जो है उसके अलावा इस नए मीडिया डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया की तरफ इतना सोचा नहीं, ना उनके बारे में इतना कभी इस्तेमाल किया है। कभी कभी आप जब कुछ नई तकनीक लेके आते होंगे या अपना विचार रखते होंगे पार्टी के हाई लेवल पर, कितना मुश्किल होता है उन्हें समझाने की, देखिए भाई ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत मतलब बहुत आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, और बहुत दिक्कत आती है, बहुत समस्या आती है चुनाव के दौरान। मैं आपसे कहूँ, बहुत से वरिष्ठ नेताओं से हम भी मिले और हमने उनसे आग्रह किया कि भैया आप आइए सोशल मीडिया पे आइए, तो वो लोग कहते थे यार तुम चलवा दो, कैसे होता है, कौन आदमी लगेगा, कैसे होगा, हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और बहुत से वरिष्ठ लोगों के पास क्लैरिटी बहुत अच्छी है, थॉट क्लैरिटी बहुत अच्छी है, भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं, समझ बहुत है, तजुर्बा बहुत है, और वो तजुर्बे को अगर वो सोशल मीडिया पे लेके आएंगे और वीडियो की फॉर्म में अपनी बात रखेंगे तो उससे पार्टी को बड़ा लाभ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि एक जागरूकता में बहुत तेज़ी से लोग बढ़े हैं, और बहुत लोग अब सोशल मीडिया पर नंबर आप देखेंगे, ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे प्लेटफॉर्म्स का, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और नेताओं ने भी, ये क्या होता है कि नेतागिरी में भी एक कंपटीशन हो जाता है, अगर आपने कर लिया है मेरे को पता चल गया तो मेरे को लगता है यार मेरे को भी आना पड़ेगा, सामने वाला आ गया है तो वो भी एक भावना कई बार एक हेल्दी रूप से काम आती है। जैसे मैं बताऊं, नवजोत सिंह सिद्धू जी, हमने एक लाइव सीरीज शुरू किया था इलेक्शन के दौरान, और हमने अपने लोगों को लाइव में बुलाया करते थे और लाइव में लोगों के सामने उनका इंटरेक्शन कराते थे, 1 घंटे तक अगर वो कोई भी सवाल करे कमेंट बॉक्स में तो वो लोग उसका जवाब देते थे। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी सोशल मीडिया पे पंजाब चुनाव के बाद गायब हो गए थे, तो वो आए मेरे लाइव पे, मेरे साथ में बैठे उन्होंने करा, तो मैंने उनसे कहा कि आप सोशल मीडिया पे आइए, कह रहे हैं यार मेरे पास मेरा पेज नहीं है, सब कुछ नहीं बना हुआ है, सब कुछ उनके स्टाफ के पास है लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। फिर हमने उनसे आग्रह किया कि नहीं बॉस प्लीज़ आप आइए, सब कुछ कीजिए और हम भी आपका सहयोग करेंगे, तो वो आए। और आप देखेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत चला सोशल मीडिया में, बहुत चला, ट्विटर पे वो कुछ ट्वीट कर देते तुरंत नेशनल मीडिया में वो खबर चलती थी। तो वो ताकत, मतलब अगर वो नहीं रहते, अगर वो, या मेरी उनसे, मुझे नहीं लगता, मतलब शायद और भी किसी के थ्रू, लेकिन अगर वो कन्वर्जेशन मेरी और उनकी उस कमरे में बैठ के नहीं हुई होती तो वो बहुत सी बातें हो ही नहीं पाती, तो वो उस चीज़ से बहुत मदद हुई मैं ये मानता हूँ। अब क्या अब ये समझ लिया जाए, क्योंकि आप यंग हैं और आप सोशल मीडिया को बहुत ही गंभीरता से आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस, क्या कन्वेंशनल मीडिया अब ख़त्म हो गया है या उसकी उपयोगिता आपको लगता है कि अभी भी है, या आपको लगता है नहीं भाई अब जो नया मीडिया है वो न्यू मीडिया यही है, अब इसी में सबको ढलना होगा?
देखिए मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि कन्वेंशनल मीडिया जिस तरह से आज देश में काम कर रहा है वो एक बहुत 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 एक गंभीर सवाल है लोगों के मन में और होना चाहिए, क्योंकि कई सारे चैनल अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से भूल चुके हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, और वो कहीं ना कहीं सत्ता के माउथपीस की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में चुनौती उन राजनीतिक दलों के लिए या विपक्ष के लिए ये हो जाती है कि आप करो तो करो क्या, आप अपनी बात जनता तक कैसे पहुँचाओ। तो वहाँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने बात की भविष्य की, भविष्य की ऐसी है कि देखिए जिस तरह से पहले जो पोस्टरबाजी होती थी उसके जरिए अगर आप चुनाव में आप अपना प्रचार प्रसार करते थे, अब पोस्टरबाजी कई बड़े शहरों में बंद हो गई है, आप होर्डिंग भी नहीं लगा सकते हो। भविष्य में बहुत संभव है कि बिल्कुल पोस्टरबाजी हर जगह से बंद हो जाएगी, पेपर का यूज़ कम किया जाएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बातें आएंगी, सोशल मीडिया के अलावा लोगों के पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाएगी। और मीडिया जितना कॉस्टली है और सोशल मीडिया जितना कम कॉस्टली है, या मैं कहूँ अगर डालना है अपनी बात तो वो तो फ्री ही है, तो वो सोशल मीडिया ही इलेक्शंस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसमें एक बात और है जो आम जनता को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये है कि आप देखेंगे कि झूठ से सोशल मीडिया पे झूठ जो परोसा जाता है उससे लोगों को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। फेक न्यूज़ के खिलाफ हमने कैंपेन चलाया, हमने ये कहा कि अगर आपको कोई भी बात सोशल मीडिया पे कहीं से पता चलती है और वो कोई अगर कोई जिम्मेदार पेज नहीं है जो ऐसी बात कर रहा है तो कृपया आप उसको जाँच लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि असम में दो लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि अफवाह उड़ा दी जाती है व्हाट्सएप पे कि ये बच्चा चोर है, शायद इसलिए कि उनके बाल थोड़े अलग थे, शायद इसलिए वो गोवा से आए हुए लोग थे, असम में जाके गाँव में काम कर रहे थे और एक फिल्म पे काम कर रहे थे, तो लोगों को लगा यार ये बाहर से आए हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, और उन लोगों को लोगों ने मार तक दिया। तो बहुत गंभीर एक समस्या भी है, और कई राजनीतिक दल, बल्कि एक ही राजनीतिक दल इस देश में ऐसा है जो ऐसे लोगों को हायर करता है, भैया आप जाओ और लोगों को भद्दी भद्दी गालियां इंटरनेट पे दो, आप जाओ और लोगों को आप अर्धनंग तस्वीरें महिलाओं को ट्विटर पे भेजो, तो उससे आप कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग उसको आपने कहा एंटरटेनमेंट की तरह तो देख रहे हैं लेकिन उससे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज खराब हो रहा है और समाज में इस तरीके की दुर्भावना फैल रही है। उसको भी हम कोशिश करते हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर कि उससे हम लोगों को बचाएँ, वो भी हमारा प्रयास रहता है। लेकिन वैभव सबसे बड़ा सवाल है, निश्चित तौर पर आपने कहा कि फेक न्यूज़ जो है आती है उस मीडियम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फिल्टर को उसका कोई सर्वमान्य फिल्टर अभी तक बन नहीं पाया कि भाई देखिए ये फैक्ट जो है वो गलत है, ये तो यूज़र के ऊपर ही है कि उसको कैसे समझता है। चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ जाती है ऐसे में, तो वही एक सवाल अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई कैंपेन आप बताना चाहेंगे, पॉलिटिकल कैंपेन जो आपने चुनाव के दौरान या हाल ही के दिनों में किया जो बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स भी मिला और आपको लगा नहीं हमने कुछ अच्छा किया। हमने फेक न्यूज़ के खिलाफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक कैंपेन किया था, उसमें हमने क्या किया था, एक ऑनलाइन हमने एक पोर्टल बनाया था और एक प्लेज कराया था लोगों से। देखिए ये जो समाज की कृतियाँ हैं वो समाज में जो लोग हैं जो कृतियाँ वो करते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझें कि यार मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ और इस समाज की जितनी जिम्मेदारी शायद दूसरे की है मेरी भी है, तो उसको अगर आप समझेंगे तो फिर आप शायद ये कृतियों को रोक सकते हैं। तो हमने एक प्लेज का एक कैंपेन चलाया था जिसमें लोग ऑनलाइन जाते थे और एक शपथ लेते थे ऑनलाइन, डिजिटल प्लेज, कि भैया मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात जिससे समाज बट सकता है, जिससे दुर्भावना फैल सकती है या जिससे जो कि एक फेक न्यूज़ होगी वो मैं अपने आप अपनी समझ पे नहीं करूँगा। तो वो लोगों ने उसमें बहुत सारे हमारे को उसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन्स हुए थे और कई बड़े अखबारों ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर आर्टिकल्स भी किए थे, काफ़ी हमको उसका मीडिया ने भी अप्रिशिएट किया था हमारे एफर्ट को, और वो एफर्ट हमने किया था और हम समय समय पर इस तरीके के एफर्ट करते रहते हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये हम समझते हैं कि अगर हम ये प्लेटफॉर्म से अपना लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म से जो लोग हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, ऐसा हमारा मानना है। मध्य प्रदेश में आप आए हैं और यहाँ का पूरा इस समय जो राजनीतिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किस बड़े कैंपेन की यहाँ पर ज़रूरत है, अगर आप एक अगर कोई आइडिया अगर आप यहाँ पर जनरेट करना चाहिए कि भाई देखिए ये सोशल मीडिया कैंपेन किस समय मध्य प्रदेश सरकार या कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है। मैंने अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस भवन में, उसमें हमारे जो भी साथी जो आए थे मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से, उनसे भी कहा है और मैं फिर दोहराता हूँ, आज पूरा देश मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है। मैं बताता हूँ कैसे, सबसे ज़्यादा भ्रमित अगर कोई लोग हैं हमारे देश में तो वो हिंदी भाषी लोग हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीयों को भ्रमित किया जा रहा है ये वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा, इनको झूठे राष्ट्रवाद के जुमले में, धर्म के चक्कर में, विकास के मुद्दों से ध्यान इनका भटकाया जा रहा है, भटकाने की राजनीति में, और ये लोग उसका शिकार हो रहे हैं।
मुझे बहुत दुख है, हमारे ही साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, लेकिन इसका शिकार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, उत्तराखंड के लोग, हिमाचल के लोग, दिल्ली के लोग, जो उत्तर भारतीय के लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं। और मध्य प्रदेश हमारे देश का दिल है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे देश को हम दिशा दे सकते हैं, हम एक ऐसी सरकार चला सकते हैं, ऐसा राज्य बना सकते हैं जिनको हम इन कुरीतियों से दूर हटा के राजनीति को विकास के मुद्दे पे ला सकते हैं, लोगों के डेवलपमेंट पे ला सकते हैं, निजी जिंदगियों में सुधार पे ला सकते हैं। उसकी राजनीति अगर हम मुद्दों की करेंगे, विकास की अगर हम राजनीति यहां से करेंगे, तो फिर और लोगों के लिए और राज्यों के लिए ये नज़ीर बन सकता है, और इस नज़ीर को हम ले के अन्य राज्यों में जा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो बात लोगों में प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। भैया देखिए, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है और वहाँ पर देखिए हम लोग किस तरह से शासन कर रहे हैं, और ये लोग और जगह पे किन तरह की बातें कर रहे हैं, इनके नेता किन मुद्दों में आपको उलझा के रखना चाह रहे हैं, और हम लोग किस तरह से आपको सही मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं और सही मुद्दों की राजनीति करना चाह रहे हैं। जब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है तो निश्चित तौर पर आपने जो बताया कि कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को सामने लेकर लाया जा सकता है, लेकिन जब कहीं ना कहीं सरकार खतरे में हो और कुछ संकट में हो या कहा जाए कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सियल पोजिशन में हो, उस समय आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, आपकी टीम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने चंचलेश व्यास को यहाँ पर अध्यक्ष मनोनीत किया है, एक बेहद ही सामान्य परिवार से वो आते हैं, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, आपने कहीं ना कहीं उनका टैलेंट देखा होगा। अब मौजूदा परिस्थितियों में जब एक तरफ सरकार के मंत्री एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जनता के बीच में कुछ पॉजिटिविटी सरकार की ले जाने जाना बहुत ज़रूरी है? आपने खुद बताया गाँव में भी आजकल लोग मोबाइल पर ही सब कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ आप एडवाइस करेंगे? देखिए ऐसा है कि कई बार क्या होता है, आप 15 वर्ष तक कांग्रेस विपक्ष में रही है और 15 वर्ष तक कांग्रेस के लोगों ने बहुत यहाँ पे आंदोलन किए हैं, संघर्ष किया है और बहुत मतलब यातनाएं उनके ऊपर उन्हें झेलनी पड़ी हैं, कांग्रेस के सभी साथियों ने यहाँ पे किया है। ऐसे में भावनाएं मतलब फिर उसके बाद में आपकी सरकार बनती है तो बहुत सारी भावनाएँ होती हैं, अलग अलग व्यक्ति की, मानसिक, अपनी, उसकी निजी जीवन की, सामाजिक की, संगठन की, बहुत सारी भावनाएँ होती हैं और वो कई मर्तबा ऐसा होता है कि वो भावनाएं अलग अलग रूप से प्रकट हो जाती हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कमलनाथ जी के रूप में मध्य प्रदेश को एक बहुत सक्षम और सशक्त एक नेतृत्व मिला है, जो कि एक बहुत ही तजुर्बेकार लीडर हैं, जिन्होंने बहुत सी सरकारें देखी हैं और बनाई हैं, और वो इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए पूर्णतया मेरे को ऐसा लगता है कि सक्षम है, और हमें उनकी लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इन सब चीज़ों से पार पाएंगे। जो भी लोग ऐसी अपनी भावनाएँ रख रहे हैं, उन सबको भी ये एक मैसेज मैं एक यंगस्टर के तौर पर देना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी जवानी आप लोगों को दे रहे हैं, आप समझे कि देश खतरे में है, आज हमें अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठ के हमें सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में नहीं, देश के बारे में सोचना पड़ेगा, और कांग्रेस ही है जो इस देश को बचाने के बारे में सोच सकती है, कांग्रेस ही है जो मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर सकती है, वो जिम्मेदारी प्रत्येक कांग्रेसी की है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ उन सबसे। बीजेपी से कहाँ सोशल मीडिया का सेल जो है कांग्रेस का मात खा जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि राहुल गांधी के जो हैं जोक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, या कांग्रेस से कोई भी बड़ा लीडर होता है या कोई भी ऐसा कोई स्टेप जब लिया जाता है तो बहुत तेज़ी से उनके वायरल कर दिया जाते हैं, मजाक उड़ता है और इससे काफ़ी मुझे लगता है नुकसान भी होता हो। बिल्कुल, देखिए आपको ये भी देखना होगा कि सोशल मीडिया पर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स ये भी अलाउ करते हैं कि आप पेड न्यूज़ भी या पेड अपनी प्रमोशन भी इन प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकारी मशीनरी में एक रुपये का जो उनकी बंदर बांट कर रही है और जिस तरह से रुपया उसमें इंजेक्ट कर रही है, उससे बहुत मतलब तेज़ी के साथ में वो लोग इसको वो फैला लेते हैं। और पैसा आप देखेंगे कि 2019 कैंपेन में जितना पैसा कांग्रेस ने सोशल मीडिया में लगाया और जितना बीजेपी ने सोशल मीडिया में लगाया और जितने बीजेपी के अनऑफिशियल पेजेस में लगा, आप कांग्रेस के ऑफिशियल पे देख लीजिएगा कि हम लोगों ने कितना कम पैसा लगाया है, और भाजपा वालों के अनऑफिशियल में हमारे से कहीं कहीं 10-10 गुना ज़्यादा पैसा उन लोगों ने इंजेक्ट किया है, तो वो उनको एक एज हमारी तरफ से मिल रहा है। लेकिन फिर मैं ये मानता हूँ कि बगैर कितना ही झूठ बोल लिया जाए, लेकिन वो सच को कभी पराजित नहीं कर सकता, प्रताड़ित कर सकता है कुछ समय के लिए लेकिन पराजित नहीं कर सकता। हम लोग वो सोच वाले लोग हैं, हम लोग महात्मा गांधी की, नेहरू की सोच वाले लोग हैं, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि फिर से ये देश की जनता ने हमेशा इंसाफ किया है। आज उनको लग सकता है कि ये बांटने वाली ताकतों पे उनको कुछ समय देना चाह रहे हैं वो लोग, लेकिन वापस वो लोग गांधी की सोच पे, नेहरू की सोच पे और कांग्रेस पार्टी पे आएंगे, और उस समय में ये सारी चीज़ें उनको दिखाई देंगी कि किस तरह से एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा था, किस तरह से एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा था, उनके लोगों के खिलाफ बदलाव की भावना के तहत काम किया जा रहा था। बदलाव की भावना देश की भावना नहीं है, आप ये समझेंगे। जो भी ये काम हो रहे हैं, चाहे चिदंबरम की गिरफ्तारी हो, चाहे डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी हो, आप देखेंगे कर्नाटका में मुख्यमंत्री
खरीद फरोख्त में खुद इन्वॉल्व रहते हैं येदुरप्पा, पूरे मतलब खुले तौर पे आपको दिखाई देता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और जो खरीद फरोख्त कर रहा है उसको आप मुख्यमंत्री बना क्यों रहे हैं सर? देखो यू आर यूथ, वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो वो बिक क्यों रहे हैं? वही बात है ना कि कहीं ना कहीं मॉरल भाई, वो ठीक है खरीद रहे हैं वो, तो वो क्या भेड़ बकरी हैं क्या? वो पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो बिक क्यों रहे हैं? तो ये जनता भी सवाल पूछती। मेरे एक सवाल आखिरी मैं सब पूछना चाहूँगा, अब लगातार वैभव बोल रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा काम है, चैलेंज है और कहीं ना कहीं फंड की जरूरत पड़ती है। अब तीन बड़े हिंदी राज्यों में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हाल में आप लोगों ने तीनों जगह अपनी सरकार बनाई है, तो अब क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इसको लेकर गंभीर हो रही है? आप जैसे यूथ जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वॉलंटरली अपने काम कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से एक फंड क्यों नहीं आपको देते हैं? एक अच्छी वॉर रूम आपके लिए क्यों नहीं जनरेट करते जिससे आप कहीं ना कहीं जो आपने एजेंडा ले रखे हैं उसको आगे बढ़ा सकें? देखिए संगठन के तौर पर बहुत काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत काम हुआ है, फाउंडेशन तैयार की गई है और इस चीज़ को बहुत गंभीरता से कांग्रेस की लीडरशिप ने लिया है। सोनिया जी अध्यक्ष बनी है, उनसे भी हम लोगों की मुलाकात हुई है और उनसे भी हमारी बात होने का, हमें बात रखने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का सारा नेतृत्व और सारे ही तीनों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सोशल मीडिया को गंभीरता से ले रहे हैं और वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि भैया के और भी राज्यों के जो हैं, सपोजिटली पंजाब है, पुडुचेरी है, तो वो ये चीज़ को मान रहे हैं कि सोशल मीडिया महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरा मतलब मैं आशा करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको सुधार दिखेंगे और भविष्य में आप भी देखेंगे कि कांग्रेस सोशल मीडिया बीजेपी से आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप अपना जो मिशन लेके चल रहे हैं उसमें कामयाब हों। और निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है क्योंकि सोशल मीडिया ये सिर्फ एक चुनिंदा घरों के टीवी सेट्स तक नहीं है, वो वहाँ पर भी पहुँच चुका है जहाँ पर लाइट भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल आजकल हर जगह मौजूद है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर ट्राइबल क्षेत्रों तक मोबाइल आजकल लोग रखते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और निश्चित तौर पर वैभव वालिया ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए चुनौतियाँ काफ़ी हैं और साथ ही साथ उनके सामने ये भी चुनौती है कि कम फंड में अपने सीनियर्स को भी उन्हें समझाना है, फंड भी जनरेट करना है और अगर फंड नहीं हो तो वॉलंटरली उसको आगे लेकर बढ़ाना है। और ऐसे समय में जब कांग्रेस के लगातार जो नेता हैं या कांग्रेस के कैंपेन वो ट्रोल हो जाते हैं, उसमें किस तरह से उसको रोकना है, कैसे उसे आगे बढ़ाना है और अपनी बात को कैसे सामने रखनी है, इन तमाम चुनौतियों के साथ एक बड़ी टीम को भी उनको खड़ा करना है, एक युवा जो कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी गई है, आने वाले दिनों में देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए जब भी आप इस तरह के कैंपेन अगर सोशल मीडिया पर देखें तो इस इंटरव्यू को जरूर याद कीजिएगा और याद कीजिएगा उस चेहरे को, देखिए वैभव वालिया जी को कांग्रेस पार्टी के, कि कहीं ना कहीं उस कैंपेन के पीछे वैभव वालिया की टीम और वैभव वालिया का दिमाग जो है उसमें लगा होगा। तो बेहद ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर डिजिटल फाइट होती है, इस डिजिटल फाइट में किस तरह से किसकी जीत होती है, कौन हारता है और उसका परिणाम क्या निकलता है, इन तमाम पहलुओं के साथ हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार, खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।